रात का नज़ारा, रात में कुछ इस तरह से दिखता है मंदिर। रात में बहुत ही सुंदर दिखता है क्योंकि मंदिर के अंदर की लाइटें वगैरह जल जाती हैं, तो इस तरह दिखता है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एक नए से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं अभी इतनी समय हूँ भक्ति धाम मनगढ़, जो कि रायबरेली और इलाहाबाद के बीच में कुंडा स्थान है, वही कुंडा के आसपास पड़ जाता है। कुंडा से 4-5 किलोमीटर अंदर है भक्ति मंदिर। आइए आप लोग, बहुत बहुत बढ़िया जगह है ये। मतलब ग्रामीण में देखा जाए तो ग्रामीण में है, गांव में है तो गांव में सबसे अच्छी जगह है। यहाँ आएंगे काफ़ी लोग आते हैं, हज़ारों की संख्या में तो हमेशा ही रहते हैं। मुझे आज लगता है कि 10,000 पब्लिक होगी क्योंकि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यार इधर घूमने के लिए जूता पहन के घूम सकते हो, लेकिन उस पार जाओगे तो जूता उतारना पड़ेगा। तो हम लोग अभी जा रहे हैं जूता उतारने के लिए। शूज वगैरह उतार दें तब घूमें पूरे मंदिर में। अभी लाइट जल जाएगी तो और प्यारा लगेगा नज़ारा, थोड़ा सा अद्भुत लगेगा। धीमे धीमे लाइट जलना शुरू हो गई है इसके अंदर। मैं पहले आया नहीं था यहाँ पर, सोच रहा था एक ही मंदिर, लेकिन मंदिर के अंदर कई मंदिर। आओ जल्दी जल्दी भैया मनगढ़ घूमो, सब लोग यहाँ के लोकल जितने भी हैं अगल बगल वाले, रायबरेली इलाहाबाद प्रतापगढ़ कौसाम्बी सभी लोग आ जाएं मनगढ़, बहुत ही शानदार जगह। लेकिन आप लोग शाम के टाइम कभी भी आइएगा मनगढ़ मंदिर घूमने, तो शाम के टाइम 6 बजे तक आइए, 5 बजे तक, 8 बजे तक खुला रहता है मंदिर। शाम के टाइम इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि लाइटें वगैरह जल जाती हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे भी गर्मी के मौसम में कहाँ दोपहर में आके क्या करेंगे यहाँ पे। शाम के टाइम आइए, आराम से मंदिर मनगढ़ मंदिर घूमिए, दर्शन वर्शन करिए, राधे राधे बोलिए, सबसे अच्छा। लेकिन भीड़ बहुत है, मुझे लग रहा था इतनी भीड़ तो नहीं होती होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है कि संगम का मेला, जैसे प्रयागराज संगम में मेला लगता है तो भीड़ होती है, वैसे लग रहा है ये भी एक प्रकार से यहाँ का राधे राधे मेला है। राधे राधे की भक्ति में सब लोग आए होंगे भीड़ लेके। यहाँ आने के बाद यहाँ की सबसे खास बात ये है कि यहाँ आने के बाद आप कितने भी चिंतित रहेंगे, आपका कितने भी डिप्रेशन में रहेंगे, दोनों भाई कह रहा है कितने भी टेंशन में रहोगे यहाँ आओगे टेंशन खत्म, यहाँ आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। बाहर इतनी पार्किंग की व्यवस्था, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं, और भीड़ की बात आप जिधर भी चले जाओगे उधर भी 100, 200, 300 लोग देखने को मिल जाएंगे। मेरे पीछे आप लोग देख लो कितनी भीड़ है, इधर देख लो कितनी भीड़ है चारों तरफ। अरे यार जूता उतार के, हाँ अबे यार जूता उतारने, जूता पहन के अंदर चले जा रहे थे। एक्चुअली उस एरिया में आप लोग जाएंगे तो जूता पहन के जा सकते हैं, उधर ग्राउंड बना है, और इधर आप मंदिर वगैरह पड़ जाती तो इधर जाएंगे तो आप जूता पहन के नहीं जा सकते हो। जूता यहाँ पर उतारने के लिए बनाया गया है, यहाँ पर जूता उतार देते हैं चल के, शूज उतार के फिर चलते हैं अंदर। रुका रुका रुका, तो यहाँ पर जूता वगैरह शूज वगैरह चप्पल वगैरह जो पहन के आएंगे यहाँ पर उतार देंगे, इधर जाएंगे तो जूता चप्पल उतार के जाना पड़ेगा। इधर अगर आपको जाना है घूमने के लिए तो इधर ऐसे पहन के जा सकते हैं। एक बड़ी सी LED इन्होंने लगा रखी है मंदिर के अंदर ही है, इसमें सारे मंदिर के सारे नज़ारे दिखा देंगे यहाँ से। ये सीन तो आप लोग देख के समझ ही गए होंगे। मुझे लगता है जब कृष्ण भगवान गेंद खेल रहे तो गेंद नदी में चली गई थी, तो नदी में गेंद निकालने के लिए गए थे तो शेष नाग अंदर उनको मिल गया था, यही वो नाग है। ये भक्ति मंदिर, यही मेन मंदिर है भक्ति मंदिर मनगढ़ का, और इसके बगल में सत्संग बना हुआ है और ये भक्ति मंदिर है। शाम जैसे जैसे शाम होती जा रही है उसे वैसे मंदिर और खूबसूरत लग रहा है क्योंकि लाइटें वगैरह जलना शुरू हो गया है। तो भक्ति मंदिर ये हो गई, ये सत्संग मंदिर इसके बगल में, और एक भक्ति मंदिर ये भी बनी हुई है जो कि सबसे खूबसूरत है। रात का नज़ारा, रात में कुछ इस तरह से दिखता है मंदिर। रात में बहुत ही सुंदर दिखता है क्योंकि मंदिर के अंदर की लाइटें वगैरह जल जाती हैं,
तो इस तरह दिखता है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है मनगढ़ का भक्ति मंदिर, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, लोगों को अट्रैक्टिव करता है। यार ये जो मंदिर बनी हुई है ना, इसके अंदर हम अभी गए हुए हैं, इतना सुंदर है, लेकिन मोबाइल से वीडियो बनाना अलाउ है नहीं। लेकिन इसके अंदर आप लोग जाएंगे, पहले तो जाने भी नहीं देते थे, अब शायद इसके अंदर इधर एक गेट से अंदर जाने देते हैं, इधर से बाहर बीच में रुकने भी नहीं देते, लेकिन अंदर इतना अच्छा बनाया गया है भाई ना, कसम से भाई, इतना सुंदर है, इतना सुंदर कि पूछो ही मत। मंदिर के बाहर आएंगे तो खाने पीने की दुकानें लगी हुई हैं, जो भी चाट पानी पूरी समोसा टिकिया चाउमीन खिलौने वगैरह, जो भी बच्चों के लिए खिलौने की भी दुकान है, इधर खाने पीने चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोग खाना पीना खा के तब यहाँ से निकले बढ़िया से। ये कॉस्मेटिक की दुकान इधर लगी हुई है अंदर, इधर चाट वाट की दुकान लगी हुई है, पानी पूरी की दुकान लगी हुई है। अब भैया हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से मंदिर से, लगभग 2 घंटे हम लोग यहाँ पर थे, और अंदर बहुत भीड़ होने की वजह से मेरी वॉइस आ नहीं पा रही होगी सही ढंग से, और मैंने कई जगह हमने बोला भी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना भाई कि आवाज़ नहीं आती, इसलिए मैंने केवल वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। मिलते हैं आप लोगों को फिर से एक नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।